हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से माइकल विजय टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ओफो मोबाइल यूज़र्स हैं तो आप अपनी मोबाइल होम स्क्रीन पर वीडियो देखते देखते आप अपनी मोबाइल में जितना भी एप्लीकेशन है उसको आप आसानी से कैसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो तो आपकी होम स्क्रीन पर चलती रहेगी और आप इसके अलावा व्हाट्सअप, फेसबुक, कुछ भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं, किसी से चैट भी कर सकते हैं। ऐसे होते हैं दोस्तों, कभी कई बार हम वीडियो देखते 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 वक्त कोई व्हाट्सअप करते हैं, कोई मैसेज करते हैं, कोई अर्जेंट कुछ मैसेज करते हैं, तो हमें वीडियो को काट करके फिर से उसका मैसेज रिप्लाई देना होता था। लेकिन फिर से उसको रिप्लाई करने के बाद फिर से आप आकर वीडियो को फिर से आप ओपन करके देखना पड़ता था। तो अभी क्या है, आपको आपके लिए बहुत ही आसान है कि अभी आप वीडियो देखते देखते वीडियो तो आपकी चलती रहेगी और इसके अलावा आप किसी से भी चैट कर सकते हैं, किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं या फिर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस, मोबाइल में जितना भी एप्लीकेशंस है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर इन तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मोबाइल में कुछ भी सेटिंग्स आपको नहीं करना है, आपको सिंपली आना है MX प्लेयर पर। जैसे MX प्लेयर पर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास MX प्लेयर नहीं है तो प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके ले सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ऑनलाइन मूवी देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक वीडियो देख रहा हूँ ऑनलाइन पर, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक एरो दिखाई दे रहा है आपको लेफ्ट साइड पर, इस एरो पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपकी जो वीडियो है यहाँ पर नीचे छोटा सा आ गया है यहाँ पर, देखिए इसको मैं अभी ऑफ करता हूँ और मैं इसे बैक चलता हूँ, ठीक है। बैक चलने के बाद आप देख सकते हैं ये वीडियो आप कहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से ये वीडियो यहाँ पर चलना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। और आपको क्या करना है उसके बाद, अपनी जो भी एप्लीकेशन है आप चाहे तो व्हाट्सअप, फेसबुक, कुछ भी आप चला सकते हैं। मान लीजिए ये वीडियो तो चलती रहेगी, ठीक है, मैं इसको प्ले करता हूँ और ये वीडियो चलती रहेगी, आप किसी से भी चैट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर से मैं बैक चलता हूँ और आप चाहे आप फेसबुक भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये फेसबुक मैंने ओपन किया है और ये फेसबुक, इसमें वीडियो तो चलते रहेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वीडियो चलते रहेगी और आप इसी तरह फेसबुक यूज़ कर सकते हैं इसी तरह, ठीक है। तो ये था बहुत ही खास, बहुत ही ज़रूरी सेटिंग्स जो मैंने आपको बताया हूँ। तो ये वीडियो यहाँ पर स्क्रीन पर चलती रहेगी और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप आसानी से एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे दोस्तों। और मान लीजिए आप वीडियो ऑनलाइन पर नहीं देख रहे हैं, आप अपनी फाइल से देख रहे हैं, तो उसको कैसे करें, ठीक है। तो फिर से हम MS प्लेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपनी जो लोकेल्स है, लोकेल में आप क्लिक करेंगे, आपकी वीडियो कहाँ पर है वो देखना है, सिलेक्ट करना है आपकी फाइल कहाँ पर है वीडियो से, ठीक है। तो इस वीडियोज़ पर मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से एक वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को मैंने प्ले किया। प्ले करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एरो है, ठीक है। इस एरो पर आपको क्लिक करना है फिर से और आपको यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ये मेरा वीडियो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसे मैं बैक चलता हूँ। बैक चलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप आसानी से पहले जैसे मैंने बताया था वैसे आप कुछ भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यही था छोटी सी वीडियो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ओके दोस्तों। तो वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर देना और पहली बार मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल की और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस तरह की जानकारी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।